बेशक हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों ने 4G या 5G सेवा शुरू करने के बड़े बड़े ख्वाब देशवासियों को दिखा दिए हों, किंतु सच्चाई ये है कि अभी भी मोबाइल कनेक्शन में 4G के नाम पर 3G की स्पीड भी ढंग से नहीं आती। टेलीकॉम कंपनियों के इन दावों की पोल चंडीगढ़ स्थित दड़ुआ में तब खुली जब अर्थ प्रकाश संवाददाता राहुल तिवारी इस समस्या को वहाँ की जनता से जानने पहुँचे। आपको बता दें कि इन दिनों यहाँ के स्थानीय लोगों को मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कवरेज की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सभी टेलीकॉम कंपनियों के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं। सर, आपका नाम? रविंदर सिंह। और कहाँ से हैं आप? दड़ुआ से। सर, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? ये प्रॉब्लम है जी, ना तो कोई नेट चलता है, ना जियो, ना वोडाफोन, ना एयरटेल, कुछ भी नहीं चल रहा है। बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ाई में इसमें। और ये कितने समय से ये प्रॉब्लम आ रही है? कम से कम मान लो 2-2.5 महीने गए। उससे पहले ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुई? इसमें जियो में नहीं थी, जियो में नहीं थी लेकिन जियो में नहीं थी, जियो में अब आ गई। कॉल दरें बढ़ाने के बाद और ज़्यादा ये आपको फेस करने? बहुत ज़्यादा। और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप यहाँ पर? नेट की प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। कितने समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? 2-2.5 महीने हो गए जी। रोज डेली कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। वो बोलते हैं 2 घंटे बाद में चल जाएगा, 3 घंटे बाद में चल जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। मेल वगैरह की आपने कभी? मेल वगैरह भी किए, फीडबैक भी दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इस चीज़ का। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर, आपका नाम? रविंद्र कुमार। और आपको क्या समस्याएं फेस कर? सर, हम एक कैब वगैरह चलाते हैं अपनी गाड़ियों के लिए, उसमें भी कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं, कोई जॉब के लिए कोई मेल भेजना हो या कुछ भी, घर वालों के लिए कुछ भी, मतलब ऑर्डर वगैरह करते हैं, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, आपको क्या नेट से रिलेटेड समस्याएं फेस करनी? सर, जो है क्वेश्चन निकालना हो, पेपर आते हैं तो उसमें नेट चलता नहीं है, निकलता नहीं आंसर, तो कस्टमर केयर पे फोन करो, कह रहे जी चलेगा 2-3 घंटे में, सर जी चलता नहीं। फिलहाल तो अभी आपके एग्जाम वगैरह भी चल रहे होंगे? आ रहे हैं जी, रिपोर्ट चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ रही होंगी? क्वेश्चन के आंसर नहीं निकलते, पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, चलिए। और आप आगे किसको कंप्लेंट, आपने कभी कंप्लेंट वगैरह की किसी को? करिए जी, कस्टमर केयर जियो में भी करी है, वोडाफोन में भी करी है। कस्टमर केयर गए हैं? हाँ जी सर, गए हैं। और वहाँ क्या बताया आपको उन्होंने? बताया जी 1 या 2 घंटे में आपका चालू हो जाएगा, पर जी होता नहीं है। और ये आपने कब करी थी कंप्लेंट? ये अभी करी थी, 5-10 दिन पहले गई थी। चलिए धन्यवाद। सर, आपका नाम? दीप कुमार। आप कहाँ से हैं? गढ़वी से। सर, क्या प्रॉब्लम्स? नेट की बिल्कुल स्लो, चल ही नहीं रहा कुछ भी। मैंने रात को भी इतनी बार फ़ोन किया, कल शाम को बोला मेरे को 6 घंटे बाद हो जाएगा, अब तक कोई नहीं चल रहा थोड़ा सा भी। आपकी वैसे 2 महीने से बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम फेस करने? जब से नेट का रिचार्ज बढ़ाना तो नेट तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, यानी सरकार जो जियो ज़्यादा ले रही है, चल ही नहीं रहा। ठीक है सर, आप बताएंगे? सर, यहाँ पे लोकल कोई भी एयरटेल हो गया, आईडिया हो गया, कुछ भी, लेकिन जब से ये नेट के रिचार्ज बढ़े हैं, कोई नेट की प्रॉब्लम से तो पता ही, वर्किंग ऑफिस हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, कुछ नहीं चल रहा है। वैसे ऊपर से सरकार बोल रही है कि सब कुछ ऑनलाइन करके दे रहे हैं, पर काम नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब ऑनलाइन पे, जब सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन सब कुछ किया गया है, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, पेमेंट भी मेरी सर 10,000 रुपये अभी गूगल पे में हो चुकी है, तो उसकी वजह से अब उनको भी कॉल कर चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एयरटेल का कॉल कर चुके हैं, जियो का कॉल कर चुके हैं, उसमें बोल रहे कि 10 घंटे वेट कीजिए, 8.5 घंटे वेट कीजिए, पर कोई रिस्पांस नहीं है। कई बार आप लोग बिजली का बिल वगैरह भरते हैं तो उसमें कई बार पेमेंट अटक जाती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई है किसी को? सभी को ये बहुत है सर, नेट ही नहीं चल रहा, केबल्स की स्पीड भी नहीं आ रही, कोई मेल डालो कोई रिस्पांस नहीं है, अब वर्किंग कैसे कर सकता है लोकल इंसान। चलिए ठीक है सर। सर, आपका नाम? मनोज। कहाँ के निवासी हैं सर आप? दड़ुआ। सर, यहाँ पे क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं? यहाँ पर एक तो नेट नहीं चल रहे। हाँ जी, कौन कौन सी कंपनी के नेट नहीं चल रहे हैं? आप जियो चल रहा है, वोडाफोन, आइडिया, कोई सी भी काम नहीं। और कितने समय से ये समस्या है? 2 महीने से। 2 महीने से। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया है मुझे कि जो नेट की समस्या यहाँ पर फेस करने को आपको मिल रही है, उसके रिगार्डिंग जो आपकी कनेक्शंस हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है,
जब आप आपने पोर्ट कराने की कोशिश की है? पोर्ट भी कराया है, कोशिश की है, लेकिन पोर्ट भी नहीं कर रहे हैं वो, किसी ना किसी बात की वजह से वो टाल देते हैं। और उनको मैसेज करा उसके बाद जैसे एक नंबर होता है यूनिक नंबर, वो भी हमें नहीं मिल रहा है ताकि हम पोर्ट करवा सकें। सर आपने, आपको क्या पोर्ट करने के बाद उन्होंने कहा? कुछ बोल ही नहीं, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा वापस। वो बोलते हैं एक नंबर पे मैसेज भेजो, वो मैसेज वापस ही नहीं आ रहा, कोड आएगा तभी तो पोर्ट होएगा। सर जब कॉल करते हैं आप, तब से एक आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या समस्या आ रही है, तो आपने जो आपकी समस्या है आपने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी फेस हो रही है, तो जब आप ये कहते हैं तो उसके बाद उनका क्या रिव्यू रहता है? सर वो कहते पहले सर वो सॉरी बोलते आगे से कि हम आपके पोर्ट करा रहे हैं, वहाँ सर मैं बहुत तंग हो गया हूँ आपके इससे, ये प्रॉब्लम बहुत है, मैं अपना काम नहीं चल रहा मेरा, तो कह रहे हैं कि सर हम आपका चला दें। वो टाइम देते फिर हमको, नहीं मैं पोर्ट करा, मैं मैसेज भी करता हूँ सर लेकिन पोर्ट नहीं हो रहा। पोर्ट तो तब होएगा ना, तब रेंज चली रेंज होएगी, रेंज आती ही नहीं सर यहाँ पे, यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल भी नहीं आ रही है हमारे पास। हम कॉल करते रहते हैं कहीं पे भी किसी को भी, परिवार अंदर होके बात करेंगे ना, घर के अंदर तो बात ही नहीं हो पाती, बाहर निकल के बात करो तो बात। यहाँ पे कहीं आसपास जियो या अदर कोई नेटवर्क का वो टावर लगवाया गया है? टावर लगा हुआ है जी पीछे, यहाँ पर पीछे बैक साइड में कॉलोनी है वहाँ पर टावर लगा हुआ है, लेकिन टावर लगने के कारण भी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। कितनी दूर है कॉलोनी वो यहाँ से? यहाँ से नजदीक ही है, करीबन 500 मीटर की दूरी पे होगी, फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम फेस करनी प्रॉब्लम हो रही है। और वो किस कंपनी का टावर है? इसमें सारे ही सर्कल जियो का ही, जियो का ही लगा हुआ जी मेन तो। जब सर आपने कॉल की होगी और आपने एक बार कॉल करके उनको जब ये कहा कि आप हमारे मेरा पोर्ट कर दीजिए, तो उसके बाद आपके साथ क्या रिव्यू रहा उनका? पोर्ट करने के बाद में पहले वो मैसेज फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके ना पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, समस्या हम उनको शेयर कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद आपने दोबारा उनको कॉल करने की कोशिश की? करते हैं दोबारा रोज़ एवरी डे, मतलब फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर को, सुबह मुंह धोने से पहले ही फ़ोन कर देते हैं उन लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।